दोस्तों इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर हो सकते हैं बंद 2 दिन के अंदर। अभी ये जो क्या न्यूज़ है, ये अभी लेटेस्ट चल रही है, ट्रेंडिंग भी यही है, तो मैं इसके बारे में डिटेल देने वाला। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के यहाँ पर रूल्स आए थे उससे रिलेटेड चीज़ है ये। इसके बारे में पहले ही बात की थी मैंने, तो आपको सारी डिटेल देने वाला हूँ कि अभी तक क्या क्या चीज़ें पता हैं, क्या क्या हो सकता है, बैन होगा या नहीं होगा तो 2 दिन बाद पता चलेगा। पर जो भी सारी डिटेल है मैं आपको बताने वाला हूँ और आपको सभी चीज़ समझा दूंगा कि ये सीन चल क्या रहा है। तो इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े, आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए चैनल पर नए हैं तो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ वर्मा, आप देख रहे हैं टेक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर हम लोग बात करें इस वीडियो की, तो सबसे पहले आपको दो टर्म्स जो है वो समझा देना चाहता हूँ पहले ही मैं, क्योंकि ये आगे यूज होंगी तो उसके बारे में तो आपको पता होना चाहिए। पहली चीज़ है यहाँ पर आपका फ्लैग, ठीक है। फ्लैग कंटेंट होता है, यानी कि ऐसा कंटेंट सोशल मीडिया के टर्म में बात करें जो कि रिपोर्ट किया गया हो, यानी कि कुछ भी उसके अंदर मिसलीड किया जा रहा है किसी भी तरीके से, तो उसे कुछ लोग अगर रिपोर्ट करेंगे तो फ्लैग के अंदर आ जाएगा कि मतलब वो एक गलत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहा है, गलत कंटेंट है, किसी भी तरीके से गलत चीज़ है वो, तो फ्लैग में आती है। और ऐसा कंटेंट होता है ऐसा नहीं कि इंस्टेंटली उसे रिमूव कर दिया जाता है। बेशक यहाँ पर जो कंपनीज है, सोशल मीडिया जाइंट्स हैं, ये फेसबुक या इंस्टाग्राम या ट्विटर ट्राई करते हैं रिमूव करने के, पर फिर भी काफ़ी सारा कंटेंट फिर भी रहता है इसके ऊपर। तो एक तो यहाँ पर फ्लैग कंटेंट है, इसके अलावा यहाँ पर सेट कोड ऑफ एथिक्स। अभी अगर बात करें ये टर्म है तो ये है यहाँ पर जो मेटी है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनकी तरफ से यहाँ पर जो रूल्स आए थे, यानी कि 25 फरवरी को ये रूल्स यहाँ पर बताए गए थे। मैंने टेक न्यूज़ के अंदर बताया इसके बारे में कि कुछ रूल्स बनाए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स तरफ से इंडिया के लिए, कि जहाँ पर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं या फिर जो यहाँ पर स्ट्रीमिंग OTT प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिए यहाँ पर रूल निकाले गए थे कि वहाँ पर कुछ चीज़ें उन्हें सेट दिया गया है कि इस तरीके से आपको काम करना है, ये चीज़ें रिपोर्ट करनी है। तो बहुत सारी चीज़ें थी इसके अंदर। यहाँ पर अगर पर्टिकुलर बात करें सोशल मीडिया की, तो उसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें थी कि मतलब जो फ्लैग कंटेंट है उसको हटाना पड़ेगा, या फिर जो अलग अलग ऑफिसर्स हैं उनको यहाँ पर इलेक्ट करना है, कुछ इंडियन ऑफिसर्स को भी इलेक्ट करना है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें थी, काफ़ी सारे रूल्स थे। तो अगर बात करें उसके फुलफिलमेंट की, तो वहाँ पर फुलफिल नहीं किया गया है। अगर बात करें यहाँ पर सिर्फ ये फेसबुक और आपका इंस्टाग्राम है, ट्विटर ही नहीं, यहाँ पर काफ़ी सारी प्लेटफॉर्म हैं और काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म को बताया गया। देखिए हमें जो पता है वो ऑलरेडी यही प्लेटफॉर्म पता है, इनके बारे में बात हो रही है कि ये बंद होंगे तो काफ़ी सारे लोगों को दिक्कत आ सकती है, पर यहाँ पर काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म हैं जिसमें से कुछ चुनिंदा ने तो यहाँ पर ये चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। पर अगर बात करें जिनसे हमें फ़र्क पड़ सकता है, जैसे फेसबुक से, इंस्टाग्राम से या ट्विटर से, उन्होंने इस चीज़ को फुलफिल नहीं किया है। और यहाँ पर अभी तक उनको, यानी कि देखिए 3 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं। और बात करें इनके इनकी जो लास्ट डेट है, यानी कि जो यहाँ पर इनका टाइम दिया गया है उसकी जो लास्ट डेट है वो है परसों की। तो परसों अगर ये लोग यहाँ पर इसे फुलफिल कर देते हैं, जो कि बहुत मुश्किल है क्योंकि फ्लैग कंटेंट बहुत सारा है, जो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स उन्होंने बोला है कि जितना भी सारा फ्लैग कंटेंट है उसको हटा देना है सोशल मीडिया के ऊपर से, यानी कि जो भी प्लेटफॉर्म है उनके रेस्पेक्टिवली वहाँ से हटा दिया जाना चाहिए। अभी 2 दिन में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो इसी वजह से कुछ जो कंपनी से फेसबुक वगैरह ने यहाँ पर जो उनके बोल सकते हैं US के अंदर भी बॉडी काम करती है इसी के से रिलेटेड, तो उनसे बोला है कि मतलब जो भी वो बोलेंगे उस हिसाब से काम करने वाले हैं। और इसके अलावा जैसे ट्विटर वगैरह या और भी जो यहाँ पर कंपनीज, उन्होंने यहाँ पर सीधा टाइम मांग लिया, हमें 3 महीने का टाइम और चाहिए, 3 से 6 महीने का टाइम और मांगा है। तो देखिए यहाँ पर सी चीज़ है कि उनसे कोई चीज़ बोली गई कि आपको अगर इंडिया में बिजनेस करना है, इंडिया में रहना है, तो आपको कुछ ये सेट ऑफ रूल्स हैं, सेट ऑफ आपका ये चीज़ें बताई गई हैं, इन्हें आपको फुलफिल करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आपके लिए हो सकती है। अभी वो चीज़ फुलफिल नहीं की है तो इन्हें ब्लॉक किया जा सकता है और इवन इन्हें यहाँ पर बोल सकते हैं क्रिमिनल भी करार दिया जा सकता है, यानी कि जो कंपनीज हैं इन्हें यहाँ पर क्रिमिनल, एज ए क्रिमिनल भी ट्रीट किया जा सकता है। क्योंकि बैन तो अभी होगा नहीं, होगा तो परसों पर चलेगा क्योंकि अभी तक फुलफिल नहीं किया है, पर फिर भी काफ़ी सारे एक्शन लिए जा सकते हैं इन कंपनी के खिलाफ में। क्योंकि देखिए जैसे कि आपको याद होगा जो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप के ऊपर भी यहाँ पर जो गलत कंटेंट होता है उसको रिमूव करने के लिए बहुत सारे स्टेप लिए गए हैं पहले भी। प्लस यहाँ पर जो फॉरवर्ड वाला फीचर है उसको भी लिमिट किया गया एक तरीके से, कि अगर कोई ऐसा कंटेंट है जो बहुत ही बार फॉरवर्ड किया गया, उस पर लिखा होता है फॉरवर्ड करके आगे उस पर निशान मिलने पर चल जाता है, जिसे काफ़ी बार फॉरवर्ड किया गया है और उसकी एक लिमिट सेट हो जाती है कि उसे फिर बहुत ज़्यादा लोगों तक यहाँ पर फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता। पहले था कि यहाँ पर आपके जितने भी कॉन्टैक्ट है आप सबको एक साथ फॉरवर्ड कर दीजिए, पर एक जब टाइम के बाद में जब वो कंटेंट ज़्यादा फॉरवर्ड हो जाता है, अभी उसे सिर्फ 5 ही लोगों तक या लिमिटेड लोगों तक एक बार फॉरवर्ड किया जा सकता है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए कि गलत इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी स्प्रेड ना हो या स्प्रेड हो ही ना, तो इस चीज़ के लिए और भी कंपनीज काम करती हैं। पर अगर बात करें यहाँ पर इंस्टाग्राम या फेसबुक या आपका ये ट्विटर है,
ये बड़े जाइंट्स हैं और इनके खिलाफ यहाँ पर एक्शन लेना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स को। अगर ये 2 दिन के अंदर जो इनकी ये एक डेट दी गई है, 2 दिन और दिए गए हैं, तब तक कुछ नहीं करते हैं, तो यही सारा सीन है। अभी देखते हैं 2 दिन बाद क्या होगा। मुझे उम्मीद है आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और मैंने सभी चीज़ें अच्छी तरीके से समझाई होंगी। कुछ रूल्स हैं, नहीं माने हैं, और अगर नहीं मानेंगे तो बैन भी किया जा सकता है। तो देखते हैं 2 दिन बाद क्या होता है। तो बस आज की वीडियो में इतने ही, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, शायद ये समझ में आ गई होंगी और ये कुछ सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।